मैं पहले ऑन करूंगा फिर लाइव शुरू होगी। करूँ स्क्रीन ऑन? हाँ हाँ दिखाई, मैं नजर पाऊंगी, मुझे नजर आएगा मैं कैसी आ रही हूँ। मुझे नहीं, छोड़ दो, जो नहीं लग रही। ये रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। ओके स्टॉप शेयर मींस स्टॉप का बटन है तो बाबा ने करनी है तो बंद। नो वन इज देयर राइट नाउ। No participant yet. एट जीरो थ्री हो गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी ठीक, आप सुनाएं बेटा, आप कैसे हो? बस अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी जी बेटा, स्टार्ट करते हैं।
कैन यू सी माय जी यस मैम स्लाइड देख रही हैं आप जो नजर आ रही है आपको जी मैं सारी हूं व्हाट यू कैन सी ऑन द स्लाइड कल का जो हमने लेक्चर किया था उसी से रेलेवेंट हैं ये पिक्स मिस फोर ड्रॉप्स और मिस वही वाला मिस जो कल पढ़ा था सारा जी बेटा सॉरी आपकी आवाज बहुत ज्यादा ना लाउड आ रही है सब आ रही है जी आ रही है सब आ रही है मिस वही वाला उसके मिस ड्रॉप्स के बारे में मिस जो ट्रीज के ऊपर होते हैं और मिस प्लांट्स के ऊपर जो होते हैं ओके अदनी फातिमा मैं आपसे जस्ट पूछ रही हूँ आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द स्क्रीन आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी यस मिस हो रही है मैं पहले जी जी हो रही है तो उस पे आपको कुछ पिक्स नजर आ रही होंगी थ्री पिक्चर्स नजर आ रही होंगी हम यस मिस आ रही है हाँ जी तो क्या क्या आप देख रहे हो रेजिन ड्रॉप्स हैं रेजिन्स नजर आ रहे हैं आपको जी एक्चुअली और आगे क्या है रेजिन्स आप देखें कैसे हैं गम्स की तरह के जैसे लिक्विड सा होता है ना यस यस जी और आगे नेक्स्ट में लेटेक्स नजर आ रहा है आपको देखें ये दरख्त की ऊपर की उन्होंने ना जो है ना स्किन जी स्किन स्किन को उन्होंने ऊपर से काटा हुआ है काट के तो ये लेटेक्स को कलेक्ट कर रहे हैं एक बॉल के अंदर इतना ज्यादा यानी कि जो लेटेक्स है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है यहाँ से और म्यूसिलेज देखें कैसा है म्यूसिलेज भी ये जो ड्रॉप्स नजर आ रहे हैं आपको इट्स आल्सो अ स्लाइमी लिक्विड जी कार्निवोरस ये इट्स अ कार्निवोरस प्लांट जो तो कभी देखा ही नहीं कभी होता है बस प्लांट में कभी देखा ही नहीं हाँ जी देखा नहीं है हमने कभी नोटिस ही नहीं किया ना इस तरह के कभी डी फॉरेस्ट वगैरह में जाने का आयोडीना होता है मोस्टली दीज प्लांट्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट वाइल्ड होते हैं ना ये जंगली पौधे ये मोस्टली डीप फॉरेस्ट में होते हैं तो हमने कभी इतना नोटिस ही नहीं किया मतलब कभी सर्च भी नहीं ऐसे प्लांट्स की मोस्टली हम तो फ्लावरिंग प्लांट्स ही देख रहे होते हैं बड़े शौक से वैसे प्लांट्स हमने वाइल्ड साइड पर होते हैं वो कभी देखे ओके इज अ सन इज देयर No. No, miss. Okay. Today's Fatima is only present. चले मैं आपकी attendance पहले mark कर दूँ जरा अच्छा जी move on to the next slide. अच्छा जी आगे अब हम आगे आ जाते हैं next आपका जो आज का topic है वो है osmotic adjustments in plants okay slide क्यों नहीं आ रही slide next चले अब फातिमा जी आई थी मेरे ख्याल से पहले चले मैं आपको जी अब आ रही है osmotic adjustments इन प्लांट्स आज का जो टॉपिक है दिस इज ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स जी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स का मतलब है कि जो प्लांट्स के अंदर जो वाटर है वो किस तरीके से ऑस्मोटिक मींस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑस्मोसिस से ये वर्ड निकलेगा ठीक है तो मूवमेंट्स ऑफ वाटर के वाटर जो है वो कैसे प्लांट के अंदर अगर ज्यादा हो जाए तो प्लांट्स कैसे उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे ठीक है और अगर पानी जो है वो और अगर पानी जो है वो कम है तो प्लांट्स उसको कैसे अपने अंदर रिटेन करेंगे ज्यादा देर तक एडजस्ट करना है ना प्लांट ने अपने आप को वाटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि पानी ज्यादा होगा तो बाहर निकाल देंगे अगर कम होगा तो अपने अंदर उसको स्टोर कर कैसे करेंगे तो अब इन टॉपिक्स में हम देखेंगे कि हाउ प्लांट्स एडजस्ट द वाटर रिक्वायरमेंट्स उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है टोटल इसकी थ्री कैटेगरीज हैं प्लांट्स की प्लांट्स सबसे पहले जो कैटेगरी है दैट इज ऑफ हाइड्रोफाइट्स हाइड्रो मीन्स वाटर फाइट्स मीन प्लांट्स ठीक है
हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होंगे जो कि मोस्टली कहाँ रहते हैं, बहुत सारे पानी में, जैसे कि फ्रेश वाटर है, ये समंदर, समंदर तो नहीं सॉरी, वो तो सॉल्टी वाटर होता है, फ्रेश वाटर जैसे कि हमारी नदी नाले हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वहाँ का पानी बहुत ज्यादा सॉल्टी नहीं होता, फ्रेश होता है। तो फ्रेश वाटर में ये सबमर्ज होते हैं, बिल्कुल डूबे हुए, सबमर्ज मीन्स बिल्कुल अंदर डूबे हुए होते हैं। और ऐसे प्लांट्स में चूंकि हर तरफ से उन्हें पानी बहुत ज्यादा एडिक्वेट अमाउंट में मिल रहा होता है, तो उनको वाटर की शॉर्टेज तो बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि उनके अंदर एक्सेसिव वाटर ही होता है, ज्यादा वाटर बल्कि उन्होंने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया होता है। तो अपने एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज करने के लिए, रिमूव करने के लिए उनका जो मैकेनिज्म है वो क्या है कि दे हैव, एक तो ये कि उनकी लीव्स बहुत ज्यादा ब्रॉड होते हैं, चौड़े चौड़े उनके लीव्स होते हैं, विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। बस इनके, इनका सिंगल एक ही फीचर है कि दे हैव लार्ज लीव्स विद लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। एक तो पत्ते बहुत, जी पत्ते इनके ज्यादा चौड़े होंगे, बड़े साइज के होंगे, और उनके स्टोमेटास भी उतने ही ज्यादा। ऑब्वियसली जब साइज लीफ का ज्यादा होगा तो स्टोमेटा भी उस पर ज्यादा नजर आ रहे होंगे। तो जितने स्टोमेटा ज्यादा होंगे उतना ही दे कैन रिमूव एक्स्ट्रा वाटर। ठीक हो गया। और इसकी एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है वाटर लिली, ये जो कमल का आई थिंक फूल होता है ना, वाटर लिली, उसकी एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होंगे जो कि ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं। ड्राई एनवायरनमेंट मींस कैसा होगा वो एनवायरनमेंट, कोई नाम लेंगे आप ड्राई एनवायरनमेंट का? मिस डेजर्ट वगैरह। शाबाश, जीरो मींस डेजर्ट। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो मोस्टली डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, और ऑब्वियसली डेजर्ट में वाटर की शॉर्टेज होती है, तो फिर ये अपने अंदर कैसे फीचर्स लेकर आएंगे जो कि ज्यादा से ज्यादा देर तक पानी को अपने अंदर स्टोर कर सकें। दे पजेसिस थिक वैक्सी क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या थी, एक कवरिंग थी एपिडर्मस के ऊपर ताकि एक्स्ट्रा वाटर ना बाहर जा सके, ये हमने उसमें पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में। तो इनकी जो जी क्यूटिकल जो है वो बहुत मोटी होती है, एक तो ऊपर से वैक्सी होती है, मतलब उसके ऊपर एक वो लेयर होती है वैक्स की, मोम की लेयर होती है, मोम, टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम इंटरनल टिश्यू, अंदर के टिश्यू से, ताकि पानी बाहर ना आ सके। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटा जितने कम होंगे उतना ही पानी जो है वो बाहर की तरफ नहीं जाएगा थ्रू ट्रांसपायरेशन। सच प्लांट्स हैव, जी, और ये तो दो अब इसके पॉइंट्स बनेंगे फातिमा, ऊपर का तो जस्ट एक ही फीचर था ना, इसके दो इसके पॉइंट्स बनेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इसकी थिक वैक्सी क्यूटिकल है, सेकेंड इसका पॉइंट क्या है, दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। थर्ड अब जी थर्ड इसका पॉइंट आएगा, सच प्लांट्स हैव डीप रूट्स, इनकी रूट्स बहुत ज्यादा लंबी होती हैं ताकि दूर तक जमीन में ये अंदर चले जाएं और वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें, दूर दूर से भी पानी को ले सकें। ठीक है, ये इसका थर्ड फीचर आ गया। सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, ये वो सेल्स होते हैं कि जो स्टोरेज का काम करते हैं, एक्स्ट्रा फूड को भी स्टोर कर सकते हैं या एक्स्ट्रा वाटर को भी स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर। और पाए कहाँ जाते हैं, ये स्टेम्स में और रूट्स में, लीफ में नहीं होते पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, लीफ का स्ट्रक्चर आपने देखा था, वहाँ पे मेसोफिल सेल्स होते हैं, लेकिन ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं इन्होंने फूड को और वाटर को स्टोर करना होता है। तो वो जो ज़ीरोफाइट्स हैं वो कह रहे हैं उनके अंदर ये सेल्स होते हैं जो कि ज्यादा देर तक लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। This makes their stem or root wet and juicy, called succulent organs. ठीक है, कौन से organs होंगे ये? Succulent, suck करने वाले, यानी कि ये water को suck कर लेते हैं और अपने अंदर store कर लेते हैं। You get that, Fatima? Okay, miss. Yes, miss. जी, what are succulent organs? Miss, वो जो miss वो होते हैं जो अपने अंदर ना miss extra water वगैरह suck वगैरह कर लेते हैं। अपने अंदर वाटर को सक करके स्टोर कर लेते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को बोलेंगे सक्युलेंट ऑर्गन्स। जी आपने ये कैक्टाई, जी कैक्टाई का प्लांट देखा होगा अक्सर गार्डन्स में ना, कैक्टस का पौधा होता है, तो वो जो है उसकी शेप, उसकी शेप ऐसे मोटी सी होती है। ठहरे मैं नेक्स्ट स्लाइड,
बुक पे नजर भी आ रहा है आपके, अपनी बुक पे भी इसकी पिक नजर आ रही होगी, यू कैन सी फ्रॉम योर बुक, लेकिन यहाँ पे आप स्लाइड में देख सकते हो जी, तो स्लाइड में भी आप देख सकते हो हाइड्रोफाइट्स वाटर लिली दिखा रहे हैं जो कि पानी के अंदर सब बर्च हैं। हेलोफाइट्स देखें, ये गर्मी वाले बिल्कुल धूप है और वहां पर डेजर्ट नहीं, ये तो हेलोफाइट्स हैं, ये तो भी उन्हें किया ही नहीं। जीरो फाइट्स से देखें, ये देखें कैक्टस ऐसा है मोटा सा, कैन यू सी, देखें ये नॉर्मल प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट है नॉर्मल प्लांट से, इसमें मतलब ना कोई लीफ नजर आ रहा है आपको, कोई पतली पतली इसकी ब्रांचेस नहीं है, बल्कि मोटा सा इसका स्टेम नजर आ रहा है आपको, है ना, और उसके अंदर पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं जो कि वाटर को स्टोर कर लेते हैं ज्यादा देर तक, क्योंकि डेजर्ट्स में मोस्टली बहुत दिनों बल्कि बहुत महीनों तक बारिश नहीं होती, तो फिर ये क्या करते हैं इतने दिनों तक विदाउट वाटर रहने के लिए अपने ऑर्गन्स को उन्होंने ऐसे डिवेलप किया हुआ कि पानी रह सके, तो दीज आर ज़ेरोफाइट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी आ गई हेलोफाइट्स की। हेलोफाइट्स जो हैं वो कौन से प्लांट्स होंगे, जी आप रीड कर लो फातिमा, रीड करें तो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको। मैं यहाँ से बुक से देख लें जहाँ से आपको इजी लगता है, बुक पे सेम यही। हाँ जी, हेलोफाइट्स लिव in seawater and are adapted to a salty environment. Salts enter in the bodies of such plants due to their higher concentration in seawater. On the other hand, water tends to move out of their cells into the hypertonic seawater. When salts enter into cells, plants carry out attractive transport to move and hold large amount of salts in vacuoles. Salts are not allowed to move out through the semi-permeable membrane of vacuoles. So the cell vacuoles remain even more hypertonic sea than hypertonic than seawater. In this way, water does not move out of cells. Many sea grasses are included in this group of plant. जी, अब ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है यहाँ पे। Halophytes are those plants which live in sea environment. समंदर में रहते हैं और आपको पता है समंदर का पानी बहुत ज्यादा नमकीन होता है, सॉल्टी होता है, ठीक है। अब अगर पानी बहुत ज्यादा सॉल्टी हो जाए, उसके अंदर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, तो आप रिकॉल करो वो हाइपरटॉनिक सोल्यूशन होगा, है ना। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटीज ज्यादा हो एज कंपेयर टू वाटर। जैसे आप एक ग्लास लेते हो, हाँ जी, आप एक ग्लास लेते हो पानी से भरा हुआ और उसके अंदर आप तकरीबन 6 या 7 चम्मच सॉल्ट डाल देती हैं, सॉल्ट नमक, तो वो बहुत ज्यादा नमकीन हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा ना। तो ऐसे वाटर को जिसके अंदर सॉल्यूट यानी कि जो नमक है वो आपने वाटर से ज्यादा ऐड कर दिया है, 6-7 चम्मच में बहुत ज्यादा नमक होगा, तो वो ऐसा वाटर कहलाएगा हाइपरटॉनिक। अब अगर प्लांट, जबकि प्लांट की जो अपनी बॉडी है उसके अंदर तो इतना नमक नहीं ना है, वो तो नॉर्मल प्लांट है जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, तो क्या होगा कि जो समंदर के अंदर का जो सॉल्ट है वो ऑस्मोसिस की वजह से किस साइड पे मूव करना शुरू कर देगा, प्लांट बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा होगा फातिमा, ऑस्मोसिस अगर आपने पढ़ा तो आपको कुछ आइडिया होगा कि सॉल्यूट किस साइड पे जाना शुरू कर देता है जहां पर उसकी क्वांटिटी कम होती है, तो सॉल्यूट की क्वांटिटी कहाँ पे कम नजर आ रही है इस वक्त, सॉल्ट कहाँ पे कम है, प्लांट में के पानी के अंदर, सी वाटर के अंदर। पानी के अंदर तो बेटा मैंने आपसे कहा कि वाटर इज हाइपरटॉनिक यानी कि उसके अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्लांट बॉडी, इसका मतलब हुआ कि समंदर के पानी में नमक ज्यादा है जबकि प्लांट की बॉडी में नमक की क्वांटिटी कम है, तो फिर सॉल्ट किस तरफ को मूव करना शुरू करेगा, प्लांट बॉडी की तरफ। शाबाश, सॉल्ट जो है वो समंदर से मूव करना शुरू कर देगा प्लांट बॉडी के अंदर, यही यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्ट की तरफ। जी ये देखें यहाँ लिखा भी हुआ है, सॉल्ट्स एंटर इन द बॉडीज ऑफ सच प्लांट्स ड्यू टू देयर हायर कंसंट्रेशन इन सी वाटर। सी वाटर में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा है, तो वो प्लांट के बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाएगा।
अब ये तो नहीं हो सकता कि जो प्लांट है वो अपने अंदर बहुत ज्यादा नमक ले ले फिर उसके अपना फंक्शन स्टॉप हो जाएगा. अब वो क्या करेगा इस काम को स्टॉप करने के लिए. ऑन द अदर हैंड वाटर टेंड्स टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स. प्लांट का जो अपना पानी है ना वो बाहर आना शुरू हो जाएगा और नमक उसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा. व्हेन सॉल्ट्स एंटर टू द सेल्स प्लांट कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब प्लांट क्या करेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या करेगा सॉल्ट को अपने अंदर होल्ड कर लेगा वैक्यूल के अंदर उसके अंदर स्टोर कर लेगा सॉल्ट को. उससे क्या होगा सॉल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट. जब वो उसके अंदर होल्ड होना शुरू हो जाएंगे रुकना शुरू हो जाएंगे तो सॉल्ट बाहर नहीं निकलेगा पौधे से. उससे क्या होगा कि प्लांट के अंदर की बॉडी सो द सैप ऑफ द वैक्यूल रिमेन्स इवन मोर हाइपरटोनिक देन सी वाटर. यानी कि प्लांट अपनी तरफ से क्या कर रहा है चालाकी कर रहा है सॉल्ट अगर उसके अंदर एंटर हो गया है ना थोड़ा सा तो वो फिर उसको अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देगा वापस नहीं आने देगा. जिससे क्या होगा कि वो ऐसा बिहेव करेगा कि मैं सी वाटर से ज्यादा सॉल्टी हो गई. अब उसकी वजह से मजीद सॉल्ट सी वाटर का उसके अंदर नहीं जा पाए. ठीक है ये इसकी एक मैकेनिज्म है. इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल्स. मैनी सी ग्रासेस आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट. ठीक है जी बेटा बताएंगे व्हाट आर हेलोफाइट्स. मिस हेलोफाइट जो होते हैं मिस वो वाटर के अंदर होते हैं और मिस उनके सी वाटर के अंदर होते हैं और मिस उनमें जो होती है ना मकदार सॉल्ट मिस वो बहुत ज्यादा होती है. ठीक है ना मिस तो मिस जो सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा होती है ना तो मिस वो जो सॉल्ट होते हैं ना मिस अपनी बॉडी की तरफ भेजना शुरू कर देते हैं अपनी बॉडी की तरफ भेजना शुरू कर देते हैं. ठीक है और उसके बाद मिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू मिस वो ना अपना वाटर रिलीज करना शुरू कर देते हैं. ठीक है मिस जब ज्यादा हो जाता है मिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मिस वो निकालना शुरू कर देते हैं मिस अपने लार्ज जो सॉल्ट होते हैं मिस ज्यादा ज्यादा वो निकालना शुरू कर देते हैं. और मिस यहां पर आकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो. शुरू में क्या हो रहा है कि जो समंदर का जो सॉल्ट है ना वो प्लांट बॉडी के अंदर जाना शुरू हो गया और प्लांट का वाटर बाहर आना शुरू हो गया. अब ये कब तक चलेगा ऐसे ना हो कि सारा प्लांट का पानी जो है वो बाहर निकल जाए प्लांट से तो प्लांट तो फिर डाई हो जाएगा मर जाएगा क्योंकि सारा अगर पानी निकल जाए उसके अंदर से तो वो तो मर जाएगा ऐसा होगा ना. यस मिस. हाँ तो इसको स्टॉप करने के लिए प्लांट क्या काम करता है प्लांट अपने अंदर का जो एनवायरमेंट है ना उसे कैसा कर रहा है कि मैं भी बड़ा हाइपरटोनिक हूँ यानी कि मेरे अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा है वो अपने अंदर सॉल्ट को स्टोर कर लेता है कुछ टाइम के लिए ये शो करने के लिए कि आई एम ऑल्सो हाइपरटोनिक. ठीक है मेरे अंदर सॉल्ट ज्यादा है. अब जब प्लांट के अंदर सॉल्ट ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा प्लांट का एक्स्ट्रा वाटर बाहर नहीं जा पाएगा. समझ आ रही बात आपको. इस वजह से प्लांट जो है वो पानी को अपने अंदर रख लेगा वरना अगर ऐसा प्लांट अपने आप को हाइपरटोनिक ना शो करे तो सारे का सारा पानी बाहर निकल जाएगा तो वो फिर प्लांट के लिए नुकसानदेह है. प्लांट के लिए नुकसानदेह है. प्लांट को अपने अंदर पानी तो रखना है अपने जिंदा रहने के लिए काम करने के लिए तो वो क्या करेगा हाइपरटोनिक हो जाएगा रिगार्डिंग टू सॉल्ट्स. बस ये आप याद रखें ये वाला पॉइंट. ठीक हो गया. ओके अच्छा जी आगे चलते हैं मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ये तो हो गए तीन तरह के प्लांट्स. कौन कौन से तरह के प्लांट्स आपने आज देखे हाइड्रोफाइट्स जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स. अब हम आ जाते हैं होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस. अब हम अपनी बात करेंगे प्लांट्स का जो है ना टॉपिक वो खत्म हो गया. अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर पानी किस तरीके से हम अपनी बॉडी के अंदर कैसे वाटर को भी स्टोर करते हैं और हम अपनी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं. अब ये मेरा ख्याल है चूंकि हमारी बॉडी से रिलेटेड पॉइंट्स है तो इसको पढ़ने में आपको ज्यादा मजा आएगा. इज इट और नॉट. अच्छा मुझे आप बताइए आप जैसे आजकल गर्मी का सीजन है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हो मतलब. शावर लेते हो पानी ज्यादा पीते हो है ना. यस और अगर ज्यादा गर्मी हो रही हो तो आपकी बॉडी स्वेट करती है पसीना आना शुरू हो जाता है हमें है ना. यस मिस. हाँ तो स्वेट करने से भी क्या होता है हमारी जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स बाहर आते हैं
और इसके अलावा आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब स्वेटिंग होती है ना तो एवेपोरेशन की वजह से हमारी बॉडी जरा ठंडी हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली, पसीना आप देखो ऑटोमेटिकली आ रहा होता है, हम नहीं लेकर आते, खुद ब खुद आता है। तो ऑल दीज प्रोसीजर्स आर रिलेटेड टू होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब इसको हम रीड करते हैं। इसमें तीन इन्होंने स्टेप्स दिए, कौन कौन से तीन ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के जो कि वाटर और टेम्परेचर को बैलेंस करती है। उसमें सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है लंग्स, हमारे लंग्स, जो सांस लेने वाला जो प्रोसीजर है। लंग्स क्या काम कर रहा है, रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट इन बैलेंस। ये तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो बाहर निकल जाती है। जी, और नेक्स्ट क्या, कौन सा ऑर्गन है हमारा जो बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है होम्योस्टेसिस में, स्किन, हमारी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही है। हाँ जी, टेम्परेचर को मेंटेन करती है, आल्सो रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स स्वेटिंग के थ्रू, है ना। स्वेटिंग जब होती है तो पानी भी एक्स्ट्रा बाहर निकल जाता है और नमक भी बाहर निकल जाता है। हमारी बॉडी के अंदर कोई एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो भी स्वेटिंग के थ्रू बाहर चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना पसीना आना चाहिए बॉडी को, ऐसे नहीं है कि आपको स्वेटिंग ही नहीं होनी चाहिए, स्वेटिंग जरूर होनी चाहिए। स्वेटिंग से आपकी बॉडी के जो सॉल्ट्स हैं वो बाहर निकलते हैं, वो सॉल्ट्स जो के नुकसान देने वाले होते हैं। ठीक है, जिन लोगों को ज्यादा स्वेटिंग होती है ना उनकी बॉडी के जो इंटरनल मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो बहुत अच्छे परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है पसीना आना, पसीना आना बहुत अच्छी बात है, इससे बॉडी का जो आपका जो अंदर के काम है वो बड़े अच्छे चल रहे होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है किडनी। किडनी जो है वो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालती है, फिल्टर करती है, एक तो पानी को साफ करती है, सेकेंडली सॉल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। ये सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। और इसके अलावा मेजर को जिसको इन इस सब के रिजल्ट में क्या बनता है हमारी बॉडी में, यूरिन बनता है, यूरिन। ठीक है, वॉशरूम जाते हैं तो यूरिन पास करते हैं, है ना। Yes, हाँ जी, और अगर ऐसा ना हम कर सकें तो हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं कि हमारी बॉडी में हम इतना पानी डेली पी रहे हैं, अगर वो कहीं बाहर ही नहीं निकल रहा तो हमारी बॉडी तो बहुत ज्यादा ऐसे स्वेल कर जाएगी, है ना, साइज में बड़ी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने ये सिस्टम रखा हुआ है कि हम जितना भी पानी पीते हैं उसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है, साफ पानी हमारी बॉडी में रह जाता है, और एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, एक्स्ट्रा यूरिया, यूरिक एसिड्स, ये सारे हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक हो गया, अब स्किन सबसे पहला टॉपिक है, अब आप इसको रीड करना शुरू करें। स्किन, ये तो अभी जस्ट उन्होंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्किन। वी नो दैट आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, एपिडर्मिस इन द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर विदाउट ब्लड वेसल्स, व्हाइल dermis in the inner layer containing blood vessels, sensory nerve ending, sweat and all glands, hairs and fat cells. Skin okay, stop. Fatma. Role in the regulation of blood temperature. Okay, miss. जी बेटा, ये first two lines आप देख लो कि skin जो है उन्होंने आपको बताया कि इसकी basic कितनी layers होती हैं? Skin की two layers होती हैं. ऊपर वाली जी, ऊपर वाली जो लेयर है जो कि जिसको आप टच भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, वो कहलाती है एपिडर्मिस। डर्मिस का मतलब होता है स्किन, ठीक है। एपी मींस अबव, स्किन के ऊपर की जो लेयर है, स्किन के ऊपर की जो लेयर है वो कहलाती है एपिडर्मिस। ये आपको ना इसकी मीनिंग्स बेशक नोट डाउन कर लिया करो अपनी बुक के ऊपर, डर्मिस मीन्स स्किन और एपी मीन्स अबव, ठीक है। तो स्किन के ऊपर की जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, और इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और इसके अंदर किसी भी तरह की ब्लड वेसल्स नहीं होते, ठीक है। वाइल लेकिन उसके नीचे जो पड़ी हुई है स्किन दैट इज नोन एज डर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे जो स्किन है वो डर्मिस है, और उसके अंदर ही हमारे सारे ब्लड वेसल्स भी आ जाएंगे, जितने भी ट्यूब्स हैं ब्लड से रिलेटेड, सेंसरी नर्व्स, हमारे ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही हैं वो सारी हमारी स्किन तक आ रही हैं, नर्व एंडिंग्स। इसके अलावा स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, हमारे
डर्मिस में ग्लैंड्स भी मौजूद हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ऐसे वो छोटे छोटे से पोर मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैलियां हैं छोटी छोटी। किस चीज की थैलियां हैं? ऑयल की और पसीने की। यहाँ से पानी भी निकलता है बाहर और ऑयल भी निकलता है। ग्लैंड्स इनको बोलते हैं, जिसके अंदर से कोई ना कोई लिक्विड निकल रहा हो, ग्लैंड्स इस ऑर्गन को बोलते हैं। ठीक है, हेयर्स, आपको पता है हमारे स्किन पे हेयर्स भी होते हैं और फैट सेल्स भी होते हैं, चर्बी के सेल्स भी होते हैं हमारी बॉडी में, ताकि हमारी बॉडी गर्म रह सके। फैट सेल्स भी होते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ मौजूद हैं? डर्मिस में। ठीक है, एपिडर्मिस में कुछ भी नहीं है, एपिडर्मिस जस्ट प्रोटेक्ट करती है आपकी स्किन को। जी आगे रीड कीजिए। स्किन परफॉर्म इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड टेंपरेचर। मैं स्टार्ट करूं आगे पढ़ना? जी जी जी। स्किन परफॉर्म इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड टेंपरेचर। द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मिस इंसुलेट द बॉडी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच्ड टू हेयर फ्रॉम गूज़बम्प्स। इट क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। अब स्किन के यहाँ पे फंक्शंस आ गए। ये तो स्किन का स्ट्रक्चर था ना, उसमें क्या क्या पाया जाता है। इस पैराग्राफ में स्किन के वो आगे फंक्शंस, पहला फंक्शन क्या है कि ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है। रेगुलेट मींस बैलेंस करता है, ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर क्या है? द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स। अभी उन्होंने कहा ना फैट सेल्स भी हैं स्किन के अंदर। फैट सेल्स आपकी बॉडी को क्या करते हैं? इंसुलेट करते हैं, गर्म रखते हैं, जैसे एक ब्लैंकेट की तरह। आपकी बॉडी के ऊपर फैट सेल्स का एक मौजूद है जो कि आपकी बॉडी को गर्म करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि हमें फैट्स भी अपनी डाइट में लेने चाहिए, न्यूट्रिशन में फैट्स जरूर होने चाहिए। थोड़ा सा घी या मक्खन, ऑयल खाते रहना चाहिए ताकि आपकी बॉडी के अंदर फैट सेल्स सही हों और वो आपकी बॉडी को गर्म कर सकें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स मसल्स अटैच टू आवर हेयर्स। आपकी जो स्किन में बाल हैं उनके साथ जो स्किन ये मसल्स जुड़े हुए हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी स्किन के बाल खड़े हो जाते हैं, जिसको क्या नाम देते हैं? गूज़बम्प्स। अक्सर होता है स्किन के बाल खड़े हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं गूज़बम्प्स। और वो क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी को गर्म करते हैं, लाइक अ ब्लैंकेट। बहुत ज्यादा जब ठंड फील हो रही होती है ना, तो आप नोटिस करें आपकी ये जो स्किन है ना, इसके बाल ऐसे खड़े हुए होते हैं, या डर की वजह से भी खड़े, समटाइम्स सेंसेशन की वजह से भी स्किन के बाल खड़े हो जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, शॉकिंग बात सुनी हो तो, शॉकिंग बात बिल्कुल, सेंसेशनल बात सुनो तब भी खड़े हो जाते हैं। तो वो इसलिए होते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो एकदम लूज हो गया है ना, ठंडी हो गई है बॉडी, उसको मेंटेन करने के लिए ये हेयर्स खड़े हो जाते हैं, उसको बॉडी को सही नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए टेम्परेचर को। और इसको क्या बोलते हैं? गूज़बम्प्स बोलते हैं। ठीक है, ओके मैम। अच्छा जी आगे चलते हैं। समझ आ रहा है बेटा? जी मैं सारे। अब आगे क्या आ गया? एक पिक्चर दिखा रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है ना, उसकी पिक है ये। देख रहे हो उसके इस पे स्क्रीन पे आप? यस मैं देख रही हूँ। हार्ट नजर आ रहा है इसमें, बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम दिखाई दिया उन्होंने। किडनीज है दो और ये ब्लेडर है। ब्लेडर में हमारा सारा जो यूरिन है वो स्टोर हो रहा होता है, और जब ब्लेडर पूरा फुल हो जाता है ना, तो फिर यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है। ठीक है, नीचे चलते हैं। ऊपर आ गई हूँ मैं, आई थिंक। यस मिस जी, मैं नीचे चलते हैं थोड़ा सा आगे और आज करेंगे फिर इंशाल्लाह, उसके बाद वाइंड अप। फातिमा थोड़ा सा रीकैप कर लें अभी। ये देखिए गूज़बम्प्स की पिक्चर दिखा रहे हैं, गूज़बम्प्स देखिए, बाल खड़े हुए हैं स्किन के, है ना? Yes, ma'am. अच्छा आगे क्या है? सिमिलरली स्किन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट व्हेन स्वीटिंग। अच्छा ऊपर तो हमने देखा कि स्किन के जो बाल है वो आपकी स्किन को, और स्किन के अंदर जो फैट सेल्स है वो स्किन को गर्म रखने में हेल्पफुल है। यहाँ पे स्किन का देखिए बड़ा डिफरेंट एक फंक्शन क्या आ गया, कि आप कूलिंग इफेक्ट स्किन को ठंडा भी करती है विद द हेल्प ऑफ स्वेट, पसीना जब आता है बाय स्वेट ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के थ्रू पसीना आ जाता है, एंड एक्सेस बॉडी हीट एस्केप्स थ्रू इवेपोरेशन। बॉडी की जो एक्स्ट्रा हीट है वो इवेपोरेशन के थ्रू बाहर निकल जाती है। समझ आ रहा है बेटा?
ये लाइन समझ नहीं आई। अच्छा ये बेटा आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा एवेपोरेशन के बारे में, एवेपोरेशन का वर्ड पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, क्या होता है एवेपोरेशन? हाँ तो एवेपोरेशन में क्या प्रोसीजर होता है बेसिकली कि लिक्विड से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हवा में जा रहे होते हैं, मतलब के वाटर के जो वेपर्स हैं, हाँ वाटर वेपर्स जो हैं वो हवा में एंटर हो रहे होते हैं, लिक्विड कंडीशन तो छोड़ के गैस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ऐसा हो रहा होता है ना एवेपोरेशन में। तो जब हमें स्वेटिंग होती है ना बॉडी को, जब पसीना आता है, तो आप देखते हो कि हमारी बॉडी के ऊपर ऐसे पानी के कतरे कतरे से आ जाते हैं, स्वेटिंग उसी को बोलते हैं ना, जो पसीना आ जाता है बाहर। हाँ जी, अब उन पानी के कतरे जब बॉडी पे आते हैं तो बाहर की जो हवा जब बॉडी को टच करेगी तो हमें ठंडक महसूस होती है। आप नोटिस करो जब भी पसीना आएगा और आप फौरन से अगर पंखे के नीचे आके बैठे तो आपकी बॉडी को ठंडापन महसूस होता है, होता है कि नहीं होता? सारी बातें, पसीना आएगा, बॉडी गीली हो गई है पसीने की वजह से। अब आप जब एकदम हवा में आके बैठोगे तो बॉडी को अच्छा लगेगा ना, ठंडा ठंडा लगेगा, क्योंकि पानी की वजह से बॉडी को ठंडक महसूस होगी। दिस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। तो पसीने की वजह से बॉडी में ठंडक महसूस होती है, ठीक है। तो स्किन का दूसरा फंक्शन क्या है कि आपकी बॉडी को ठंडा करती है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट है सच एज एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर ऑल्सो रिमूव्ड इन स्वेट। अब पसीने में सिर्फ पानी नहीं रिमूव होता, पसीने के अंदर और भी बहुत सी चीजें जो बाहर निकल जाती हैं बॉडी से, कौन कौन सी हैं वो? सॉल्ट्स, यूरिया, ये केमिकल है जो कि नुकसान देता है आपकी बॉडी को, निकलना चाहिए बॉडी से बाहर। यूरिक एसिड ये भी केमिकल है, यूरिया की ही चेंज हुई भी टाइप है यूरिक एसिड। अक्सर बुजुर्गों में जो बड़े एज के लोग होते हैं ना, हाँ उनकी उनके ये जोड़ों में यूरिक एसिड की वजह से दर्दें होती हैं, क्या वजह है कि उनका यूरिक एसिड प्रॉपरली बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। थर्ड जो ऑर्गन है हमारा लंग्स है। लंग्स क्या काम करते हैं ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि व्हेन वी इनहेल तो हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाएंगे, बट व्हेन वी एक्सहेल तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकालेंगे। हाँ जी, तो लंग्स में कौन सी जगह है जहाँ पे जाके ऑक्सीजन चेंज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ? शाबाश, वेरी गुड। एल्वियोलाई वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। ऑक्सीजन जितनी भी अंदर जाएगी एल्वियोलाई के में पहुंचकर ब्लड कैपिलरीज से एक्सचेंज कर लेगी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एंटर हो जाएगी। शाबाश, आपको बिल्कुल याद है, वेरी गुड। अच्छा जी, Our cells produce carbon dioxide gas. Carbon dioxide gas हमारी body में आती कहाँ से है? Basically जब हम respire करते हैं ना, they perform cellular respiration. और इसके अलावा cell में जितने भी metabolic reactions हो रहे हैं ना, उसके result में carbon dioxide gas produce हो रही है। तो वो carbon dioxide gas diffuses into tissue. मतलब ये वो एक procedure बता दिया है कि वो carbon dioxide diffusion के through tissue fluid में आ जाती है and from there into the blood. Blood carries carbon dioxide gas to lungs. From where it is removed in the air. यानी कि जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो एल्वियोलाई तक पहुंची हुई है वो कहाँ से पहुंची है? तमाम बॉडी के सेल्स के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लंग्स में आ जाती है, लंग्स के एल्वियोलाई में, तो वहां से फिर वो एक्सचेंज हो जाती है ऑक्सीजन। चले जी, आज का हम यहाँ तक रखते हैं लेक्चर, रिकैप कर लो फातिमा हमने आज क्या क्या पढ़ा है। अच्छा, सान एब्सेंट हो गए हैं। यस मिस जी, क्या क्या देखा आज हमने? मिस ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स और उसके बाद मिस होमोस्टेसिस इन ह्यूमंस। अच्छा, और उसके आगे बोल, उसके आगे लंग्स के बारे में, लंग्स के बारे में, ठीक है। मतलब आपने देखा कि प्लांट ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होमोस्टेसिस है वो तीन तरह से हो रही है, मतलब तीन उसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। एक तो लंग्स इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा स्किन इन्वॉल्व है, और इसके अलावा हमारी किडनीज, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हाँ जी, अब बेसिकली आपका जो ह्यूमन जो है ना, जो किडनी का स्ट्रक्चर है बेसिकली, अब जो रिमेनिंग चैप्टर है इसमें हम किडनी के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक जो हमारी बॉडी से पानी निकल रहा है वो किडनी से निकल रहा है और होमियोस्टेसिस के थ्रू हो रही है। अच्छा फातिमा, आपका होमवर्क आज का पता क्या है बेटा? यू हैव टू ड्रॉ, क्या मिस?
यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, आपका ये जो है ना ड्रॉ कर लो कि देखिए आप बुक के ऊपर देखिए यूरिनरी सिस्टम मिस 11 फिगर 11.6 यस 11.6 ड्रॉ कर लो कि जस्ट आपने ये जो है ना यूरिनरी सिस्टम के अंदर की जो पाइप्स ड्रॉ करने हैं किडनी ड्रॉ करनी है ब्लैडर यूरिथ्रा यस मैं कर लूंगी ठीक है बहुत नीट एंड क्लीन कीजिएगा इसको लेबल कर लीजिएगा फिर इंशाल्लाह कल हम इसकी स्टार्ट करेंगे बट बिफोर स्टार्टिंग वी हैव अ क्विज याद है आपको यस मिस जहां तक पढ़ा वहां तक ना जी हमने ये होमोस्टेसिस जहां तक पढ़ लिया है ना वहां तक अब देखिए भसान एब्सेंट है अब अगर वो क्विज देते हैं तो वो आज के लेक्चर को तो नहीं इंक्लूड कर पाएंगे आप बता दें पिछला चैप्टर अगर करना है तो पिछला चैप्टर कर लेते हैं यही कर लेते हैं अभी आप कर रहे हो ना अभी हम इसकी फ्रेश है ये चलिए ठीक है इसी में से आपका क्विज आ जाएगा मैं ट्राई करूंगी कि मैं स्लाइड्स बना लूं और आपके जो आपके हिस्से का जितना भी क्विज होगा वो आप स्क्रीन पे देख सकोगे और उसको आंसर करते जाना मतलब एमसीक्यूज होंगे या कोई शॉर्ट होगा आंसर करते जाना तो मैं नंबर जो है वो लगाती जाऊंगी साथ ठीक है चलो जी ओके जी अल्लाह हाफिज़ सिर्फ देखो एक बच्चे 10th क्लास सपोर्ट सिमुलेशन पता नहीं क्यों तंग कर रहे हैं मैं